अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी मेरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी 2.5 किलो गाजर है, इसको हमने जो है अच्छे से धो लिया है और इसका छिलका भी हमने उतार लिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई है। अब इसे हम कद्दूकस से घिस लेंगे। इधर मोटे वाले से घिसेंगे, बहुत ज्यादा महीन हमें नहीं घिसना है क्योंकि ये गल जाएंगी तो सब ठीक लगेगा। इस तरह से हमें सारी घिसना है। गाजर हमने पूरी घिस ली है, माशाल्लाह से पूरे मेरे 3 बाउल भर के गाजर ये निकली है। और ये थोड़ी सी इतनी निकली है, इसकी हड्डी जो बीच का होता है ये हमने अलग कर दिया है, इसको ये हम नहीं डालते हैं। 2.5 किलो में बस इतनी ही निकली है, सही निकली गाजर। हमने ये कुकर चढ़ा दिया है क्योंकि माशाल्लाह से मेरी जो है गाजरे ज्यादा है तो हमारी कढ़ाई में उसमें नहीं आ पाएगी, तो हमारी कढ़ाई छोटी है तो हम इसी में ही बना रहे हैं। अच्छे से पोंछ के सब डालिए। हमें तो लग रहा है ये कुकर भी छोटा ही पड़ जाएगा, पर अभी ये बुझ जाएगी तो कम हो जाएगा। ये तो कुकर मेरा ऐसे ही भर गया है। अभी हम इसे ढक देंगे तो थोड़ी ये कम हो जाएगी। गाजर का हलवा हम ज्यादा इसलिए बना रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, थोड़ा ये रख के भी खा सकते हैं, तो इसलिए हम इतना बना रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो लगती ही है बनाने में, तो थोड़ा सा ज्यादा ही बना ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इसकी अब हम लिड लगा देंगे। तो गैस हमने चालू कर दी है, इसको हम 2 सीटी लेंगे और बस बंद करके फिर हम इसको देख लेंगे। मीडियम आंच पे ही रखेंगे, फुल फ्लेम नहीं रखेंगे। गाजर मेरी जो है गल गई है और ये देखिए आधी हो गई है। अब इसको हम कढ़ाई में, इसको सिर्फ अब हमें भूनना है, मेन काम है इसका भूनने का, तो हम इसको जो है कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसको हम फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे। अभी भी हमारी कढ़ाई पूरी फुल है, पर अभी इसका पानी जो है सूखेगा तो ये और ही कम हो जाएगा। अभी इसमें पानी काफी है, ये देखिए किनारे किनारे पानी बहुत है। अभी हमने इसमें चीनी भी नहीं मिलाई है, थोड़ा जब ये कम हो जाएगा तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। इसको हम खुला ही पकने देंगे, थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर डालेंगे ऑरेंज वाला, क्योंकि जो हमारे क्या यहाँ मिलता है गाजर का हलवा बड़ी बड़ी दुकानों में, उसमें ये कलर जरूर पड़ा होता है और इससे बहुत अच्छा कलर लगता है। यहाँ जो है बहुत फेमस गाजर का हलवा होता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। पानी इसका काफी रिलीज हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने 500 ग्राम के करीब ली है। अगर आपको कम रख डालना है तो कम डालिए, ज्यादा डालना है तो ज्यादा। हमें तो ये भी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी हम इसको कम ही कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं पसंद है।
इस स्टेज पे हम थोड़ा सा ये घी ऐड करेंगे। अभी हम थोड़ा डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही हम डाल रहे हैं। अब इसको हमें तेज आंच पर ही पकाना है क्योंकि गाजर हमारी तो गल चुकी है पहले ही। बहुत से लोग जो हैं काट के टुकड़े ऐसे ही पका लेते हैं, कोई घिस के स्लाइस में काट के पका लेता है। अगर आपको बाजार जैसा चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिस चीज में मेहनत होती है वही चीज टेस्ट वाली भी होती है, इसलिए हमने इसको घिस कर ही पकाया है। बाजार में तो हमेशा ऐसे ही मिलता है घिसा हुआ ही। ये मेरे पास 500 ग्राम के करीब मावा है। हम इसमें मावा ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने दूध नहीं डाला है, दूध बस बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है। बहुत से लोग दूध में भी पकाते हैं गाजर, लेकिन हमने दूध में नहीं पकाई है, तो हम इसमें खोया ज्यादा डालेंगे क्योंकि गाजर के हलवे में जब तक ये खोया ना ज्यादा हो तो उसका टेस्ट नहीं आता है। अभी हम इसको थोड़ा डालेंगे और इसको पकाएंगे इसके साथ, बाकी का बाद में हम डालेंगे। शक्कर का पानी काफी छूटा है, इसको भी हमें भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना ये भुना होगा उतना ही टेस्टी होगा। ये हम लोगों के लखनऊ में गाजर का हलवा ऐसे ही मिलता है बाजारों में, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो कलर वाला ही मिलता है, तो जो छोटी छोटी दुकानों में होता है तो वो इतना टेस्टी नहीं होता है। यहाँ की फेमस दुकानें हैं जो बड़ी बड़ी, वहाँ ऐसे ही गाजर का हलवा होता है। थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा ही सही डालेंगे हम इसमें, ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा इलायची का फ्लेवर भी आता है तो मुंह में अच्छा नहीं लगता है। गाजर का पानी तो काफी रिलीज हो गया है, जो शक्कर का भी छूटा था वो भी सूख गया है पानी। अब हम थोड़े से, हमने काजू को रोस्ट किया था घी में, वो उसमें ऐड कर देंगे। बस हम इसमें सिर्फ काजू ही डालेंगे, बाकी कोई ड्राई फ्रूट नहीं, क्योंकि गाजर के हलवे में बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट, अपनी अपनी पसंद है, लोग डालते होंगे, मगर हम सिर्फ काजू ही डालते हैं। जो बाकी का बचा हुआ घी था हम वो भी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा खोया जो बचाया था हमने वो भी डाल देंगे, बस थोड़ा सा हमने डेकोरेशन के लिए बचाया है, बाकी सब हमने डाल दिया है खोया, क्योंकि इसी से फ्लेवर आएगा। गाजर का लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बाजार जैसा। हम और इसको भूनेंगे, बस ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। ताकि इसका पानी मुंह में ना आए, थोड़ा सा गीला गीला सा वो चीज चली जाए। हलवा मेरा तैयार हो चुका है, इसको हमने भूनते भूनते, देखिए मेरी आधी कढ़ाई हो गई है, इतना भूना है। अगर इसको भूनेंगे नहीं तो इसके जो गाजर की स्मेल है वो आती रहेगी, उसका कच्चापन का फ्लेवर गाजर का। तो अब मेरा गाजर का हलवा पूरी तरह से रेडी हो गया है, गैस हमने बंद कर दी है, अब इसे ठंडा हो जाएगा तब हम सर्व करेंगे।
तो गाजर का हलवा मेरा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये गरम अच्छा लगता है तो गरम खाइए, ठंडा अच्छा लगता है तो ठंडा खाइए। और उसकी गाजर की हलवे की भुनाई ज़्यादा होती है, तो हमने इसको भूनने में काफ़ी टाइम लगा है, पर ये बहुत टेस्टी बना है। आप भी मेरी तरह से ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।